हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग क्लास फर्स्ट की हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में वर्क करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर टू एक्सप्लेन भी कर दिया है और बुक भी फिल करवा दी है। अब इस वीडियो में हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारा चैप्टर टू कौन सा था। वर्णमाला, ये मैंने आपको फिल करवा दी थी बुक्स। चलिए कॉपी आप लोग अपने अपने ओपन कर लीजिए। सबसे पहले पार्ट दो, ठीक है, फिर पार्ट का नाम वर्णमाला, फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, फिर हम लिखेंगे प्रश्न का। प्रश्न का क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? ये आपकी बुक में भी है, ये देख लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं। सो मैंने यहाँ पर कॉपी में भी नोट डाउन किया है, इसको आप लोग नीट एंड क्लीन साफ साफ अपनी कॉपी में लिखिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है, ठीक है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न खा, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर, वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में रखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। प्रश्न खा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उत्तर, वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में रखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। फिर आपका प्रश्न का, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन स्वर एंड नंबर टू व्यंजन, ठीक है। प्रश्न का, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर वन स्वर एंड नंबर टू व्यंजन। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न घा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उत्तर, संयुक्त व्यंजन डैश, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको चार बताए थे, कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन डैश, फिर ये चारों आपको लिखने, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज इसमें क्या करनी है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले दो लाइन तीन लाइन छोड़ करके नंबर टू डाल करके वर्णमाला के छूटे हुए वर्ण लिखिए, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये आपकी हेडिंग है, वर्णमाला के छूटे हुए वर्ण लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बुक में भी फिल करवाई थी, सो ये आपको कॉपी में भी करनी है। का हमने ये लिखा है, फिर डैश, फिर ग, फिर डैश, फिर डैश, यानी कि का के बाद क्या आता है? खा, का, खा, फिर गा लिखा हुआ है, गा के बाद क्या आता है? घा, घा के बाद क्या आता है? अंगा, ठीक है। तो का, खा, गा, घा, अंगा, फिर यहाँ पर चा लिखा हुआ है, उसके बाद वन टू थ्री डैश है, फिर इया, यानी कि चा के बाद क्या आता है? छ, जा, झा, इया। फिर उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, उसके बाद ठा लिखा, यानी ठा के पहले क्या आता है? टा, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर उसके बाद ता लिखा है, ता के बाद क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। फिर उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वर्णमाला है, तो जो जो वर्ण छूटे हुए हैं वो आपको लिखने हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, इसको आप लोग सही से लिख लीजिएगा। इसमें आपको एक एक्सरसाइज और करनी है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर देखिए ये आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, नंबर थ्री, फिर उसके बाद हेडिंग लिखेंगे, स्वरों और व्यंजनों को सही स्थान पर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ण लिखे हैं, वो मिक्सअप हैं, यानी कि वो स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, दोनों मिक्स हैं। उसके नीचे एक साइड मैंने ये स्वर लिख दिया एंड दूसरी साइड व्यंजन लिख दिया। यहाँ पर आप लोग एक लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग वन टू सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
फिर डैश करना है यहाँ पर भी इसी तरह ये 7 पूरे डैश करने हैं दोनों साइड। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें से स्वर छाटन करके अलग करना और व्यंजन अलग करना है, ठीक है। तो जो स्वर है उसको स्वर में लिखेंगे, जो व्यंजन है उसको व्यंजन में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये आपका टा है, ठीक है। टा क्या है, टा आपका स्वर है या व्यंजन है, टा आपका व्यंजन है तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है छोटा आ, छोटा आ आपका क्या है, स्वर है तो इसको यहाँ पर। फिर ना, ना आपका क्या है, व्यंजन है तो इसको यहाँ पर। फिर पा, पा भी आपका व्यंजन है तो इसको नीचे यहाँ लिख देंगे। फिर फा, फा भी आपका व्यंजन है इसको इसके नीचे लिख देंगे। फिर ए, ए आपका क्या है, स्वर है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर बड़ा आ, बड़ा आ भी आपका स्वर है इसको यहाँ लिखेंगे। फिर छोटा ऊ भी स्वर है तो इसको यहाँ। फिर रा, रा आप यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये व्यंजन है। फिर ओ आपका स्वर इधर लिखेंगे, मा आपका व्यंजन है इधर, वा भी आपका व्यंजन है इधर लिखेंगे, बड़ी ई आपका स्वर है इधर लिखेंगे, फिर बड़ा ऊ आपका स्वर है इधर लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके बुक में नहीं दी है, इसको मैंने अपने से करवाया है, तो इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिए। इसमें स्वर और व्यंजन मिक्स है, बस इसको कुछ ही नहीं करना है, इसको आपको अलग करना है। स्वर को स्वर में लिखेंगे, व्यंजन को व्यंजन में लिखेंगे। आई होप कि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो चैप्टर 2 आपका कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सो ओके क्लास, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपनी कॉपी स्कूल में ले आकर के सबमिट कर दीजिए। कॉपी के साथ 30 आप लोग अपनी बुक्स भी सबमिट करिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कॉपी करेक्शन करवाई है बट वो बुक नहीं लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी बुक दोनों लेकर आइए, दोनों करेक्शन होनी है। और सेकंड चीज़, आप लोगों के कॉपी में कवर नहीं है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चों कॉपी तो बिल्कुल मेंटेन है, कवर वगैरह सब है, लेकिन कुछ बच्चों कॉपी में कवर नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग कवर भी उसमें जो है तो चढ़ाइए, क्योंकि बिना कवर की आपकी ही कॉपी बुक फट जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।